आंखों में मंजिलें थीं, गिरे और संभलते रहे। आधियों में क्या दम था, चिराग हवा में भी जलते रहे। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे शख्स की, एक ऐसे कलाकार की, जिसने अपने अद्भुत इमेजिनेशन से दुनिया के अनगिनत बच्चों के बचपन में खुशियां बिखेरी हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मिकी माउस जैसे बहुत सारे फेमस कार्टून के जन्मदाता वॉल्ट डिज्नी की, जिन्हें एनिमेशन फिल्मों में उनके योगदान के लिए 22 बार ऑस्कर अवार्ड दिया जा चुका है, जो कि अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। उनके द्वारा बनाई गई कंपनी द वॉल्ट डिज्नी कंपनी आज दुनिया के टॉप मीडिया कंपनीज में शामिल है और अरबों खरबों रुपए का बिजनेस करती है। लेकिन दोस्तों, डिज्नी ने जिन संघर्षों के बाद यह मुकाम हासिल किया था, मुझे नहीं लगता कि उनके अलावा यह किसी और के बस की बात होगी। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका समय खराब किए हम वॉल्ट डिज्नी के प्रेरणादायक जीवन को शुरू से जानते हैं। वॉल्ट डिज्नी का जन्म 5 सितंबर 1901 को अमेरिका के इलिनोइस राज्य में हेरमोसा नाम की जगह पर हुआ था। उनके पिता का नाम एलियास डिज्नी था, जो एक किसान थे और साथ ही साथ बढ़ई का भी काम करते थे। लेकिन आगे चलकर इन सभी कामों से गुजारा न हो पाने की वजह से उन्होंने बाजार में फल बेचने का भी काम किया। हालांकि अलग अलग काम करने के बावजूद भी उनके पास इतने पैसे नहीं हो पाते थे कि उनका पूरा परिवार अच्छे से गुजारा कर सके और वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सके। इसीलिए उन्होंने अपना खेत बेच दिया और 1906 में एक छोटे से गांव मार्सलेन मिसौरी में आकर बस गए, जहां पर वॉल्ट के अंकल की जमीन पहले से थी। वॉल्ट के अलावा उनके 3 भाई और एक छोटी बहन भी थी। और अगर ड्राइंग की बात करें तो उन्हें शुरू से ड्राइंग करना बहुत पसंद था। वे फर्श और दीवारों पर कुछ न कुछ बनाते रहते थे। एक बार तो उन्होंने अपनी छोटी बहन के साथ मिलकर तारकोल से अपने घर की दीवार पर पेंटिंग बना डाली और पूरा दीवार काला हो गया, जिससे उन्हें अपने पिता से बहुत डांट सुननी पड़ी थी। डिज्नी ने 7 साल की उम्र में अपने पड़ोसी के घोड़ों की ड्राइंग बनाई और वह उनके पड़ोसी को इतना पसंद आया कि उन्होंने उस ड्राइंग को पैसे देकर खरीद लिया और इस तरह ये वॉल्ट डिज्नी के जीवन की पहली कमाई थी। अगर बात की जाए वॉल्ट डिज्नी के सबसे करीबी की, तो वो उनके भाई रॉय थे, जिसके साथ वो अपना पूरा समय बिताते थे। 1909 के लास्ट में वॉल्ट डिज्नी का एडमिशन पास के एक स्कूल में करवाया गया, लेकिन उनका परिवार पैसों की दिक्कत की वजह से उस गांव में ज्यादा दिनों तक नहीं रह सका और फिर वे 1911 में आर्थिक तंगी झेलते हुए कंसास नाम की एक शहर में रहने आ गए, जहां वॉल्ट के पिता को आखिरकार न्यूज़पेपर और मैगजीन बांटने का काम मिल गया। और कुछ पैसे इकट्ठा होने के बाद उन्होंने वॉल्ट का एडमिशन बेंटन ग्रामर स्कूल में करवा दिया। लेकिन न्यूज़पेपर ज्यादा होने की वजह से वॉल्ट और उनके भाई रॉय को अपने पिता का हाथ बटाना पड़ता था और रोज सुबह 4:30 बजे उठकर कड़ाके की ठंड में पेपर बांटने जाना होता था। पेपर बांटने के बाद वे स्कूल चले जाते थे और फिर शाम को स्कूल से वापस आने के बाद फिर से मैगजीन बांटने निकल जाया करते थे। वॉल्ट और रॉय इन सभी कामों से इतना थक जाते थे कि स्कूल की क्लास में ही वो सो जाते और इसीलिए वह अपने क्लास के सबसे कमजोर स्टूडेंट्स में गिने जाते थे। लेकिन इतने कठिनाई भरे दिनों में भी वॉल्ट ने ड्राइंग से कंप्रोमाइज कभी भी नहीं किया और उन्हें जब भी थोड़ा सा टाइम मिलता, वह मैगजीन के कवर को देखकर या फिर अपने दिमाग में कुछ भी सोचकर ड्राइंग करने लगते थे। वॉल्ट अक्सर अपने घर के पास के एक सलून में जाकर ड्राइंग बनाया करते थे और उनकी ड्राइंग इतनी अच्छी होती थी कि सलून का मालिक उनकी ड्राइंग के बदले में मुफ्त में उनके बाल काटता था और जब कभी बाल कटवाने की जरूरत नहीं होती थी तो पैसे भी देता था। लेकिन वॉल्ट उन ड्राइंग्स को पैसे की लालच में नहीं बनाते थे, बल्कि इसलिए बनाते थे क्योंकि सलून का मालिक उनकी ड्राइंग को अपने दीवार पर फ्रेम करवा के लगा देता था और बहुत सारे लोग उनके ड्राइंग्स को देखकर उन्हें शाबाशी देते थे, जिससे डिज्नी को दिल से खुशी मिलती थी और उनका मनोबल बढ़ता था।
दोस्तों डिज्नी को वो दिन भी देखने पड़े जब उन्होंने ट्रेनों में जा जाकर पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक और पानी की बोतलें भी बेची, और इस तरह के बहुत सारे काम करते हुए कुछ पैसे कलेक्ट करने के बाद डिज्नी ने कंसास सिटी आर्ट इंस्टीट्यूट में आर्ट की वीकेंड क्लासेज लेनी शुरू कर दी। आगे भी कुछ सालों तक यूं ही संघर्ष और पढ़ाई चलती रही, और फिर 1918 में पहले विश्व युद्ध के बाद डिज्नी ने अमेरिकी सेना में जाने के लिए अप्लाई किया, लेकिन कम उम्र की वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। और फिर उन्होंने अपने डेट ऑफ बर्थ को बदलकर रेड क्रॉस में एम्बुलेंस चलाने के लिए ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया, जहां उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया और उनकी पोस्टिंग फ्रांस में कर दी गई। दोस्तों वॉल्ट डिज्नी अभी तक बहुत सारे अलग अलग काम किए जा रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में हमेशा से आर्ट के फील्ड में कुछ कर गुजरने का जुनून था। वे अपने एम्बुलेंस तक को अपने आर्ट से सजा कर रखते थे। डिज्नी ने अक्टूबर 1919 में रेड क्रॉस को छोड़ दिया और फिर वापस अमेरिका आ गए, क्योंकि उनकी जॉब पेमैन रूबिन कॉमर्शियल आर्ट स्टूडियो में एक आर्टिस्ट के तौर पर लग गई थी। लेकिन जनवरी 1920 में उन्हें उस जॉब से यह कहते हुए निकाल दिया गया कि उनके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, उनमें कल्पना शक्ति की कमी है और वे किसी भी खूबसूरत चीज का निर्माण कर ही नहीं सकते। लेकिन यह बात डिज्नी के दिल को ठेस कर गई थी, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन हर चीज से समझौता किया था, लेकिन अपने ड्राइंग से कभी भी समझौता नहीं किया। अपने इन्हीं अपमानों का बदला लेने के लिए वॉल्ट ने एक छोटी सी कंपनी खोली, लेकिन पैसों की कमी की वजह से उनकी कंपनी जल्दी दिवालिया हो गई। दोस्तों डिज्नी के पास पॉकेट में केवल $20 और कागज के गत्ते का सूटकेस बचा था, जिसमें एक तरफ उनके कुछ कपड़े और दूसरी तरफ ड्राइंग बनाने के कुछ टूल्स रखे हुए थे। लेकिन दोस्तों उन्होंने अपने प्रयासों को, अपनी कोशिशों को कभी भी नहीं छोड़ा, और अपने भाई रॉय द्वारा बचाए गए $2,000 की मदद से एक और कंपनी बनाई, जिसका नाम डिज्नी ब्रदर्स स्टूडियो रखा, और फिर बाद में इसका नाम बदलकर द वॉल्ट डिज्नी कंपनी कर दिया। और दोस्तों कहते हैं ना कि हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डिज्नी ब्रदर्स द्वारा बनाई गई यह कंपनी बहुत ही जल्द चल पड़ी, और फिर आगे चलकर उन्होंने बहुत सारे लोगों को जॉब पर भी रखा। अब वॉल्ट डिज्नी का जीवन काफी हद तक पटरी पर आ चुका था। उन्होंने जुलाई 1925 में लिलियन नाम की एक लड़की से शादी कर ली, जो उनकी कंपनी में बतौर आर्टिस्ट काम करती थी। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं उस कार्टून कैरेक्टर की जिसने वॉल्ट डिज्नी को शिखर पर पहुंचा दिया। 1928 में न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया जाते समय ट्रेन में एक कागज पर वॉल्ट ने कुछ अजीबोगरीब कार्टून बनाना शुरू किया, और अंत में उन्होंने एक चूहे के आकार का ड्राइंग बनाया, जिसका नाम उन्होंने अपने पत्नी के कहने पर मिकी दिया, और फिर उस ड्राइंग का एनिमेशन बनाकर उन्होंने मिकी को अपना आवाज दिया। 18 नवंबर 1928 को वॉल्ट डिज्नी ने उस एनिमेशन का पहला शो मैनहट्टन में दिखाया, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया, और फिर उसके बाद से वॉल्ट डिज्नी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और एक के बाद एक बेहतरीन एनिमेशन फिल्में इस दुनिया को दी। उन्होंने पूरी दुनिया से 950 से भी ज्यादा पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए। इतना ही नहीं, इस फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े पुरस्कार ऑस्कर के लिए 59 बार उनका नॉमिनेशन किया गया, जिसमें 22 बार वे इसे जीतने में सफल रहे। आखिरकार इस दुनिया में एनिमेशन फिल्मों को एक नई ऊंचाई देने के बाद 15 दिसंबर 1966 को वॉल्ट डिज्नी ने इस दुनिया को अलविदा कहा। दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ में किन्हीं मुश्किलों से गुजर रहे हैं, तो एक बात याद रखिए कि मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वो लोग ही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।